एवरीवन, तो अभी मैं, मम्मी और नित्या जा रहे हैं ग्राउंड में, जो कि हमारे घर के पास में है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वीडियो बना लूँ और आप लोग भी हमारे साथ चले। तो अब हम जाने लगे ग्राउंड के लिए। नित्या को जब चलने का मन नहीं है, उसको गोदी आना है, इसको ठेल ठेल के लाना पड़ रहा है। नित्या आ जाओ, चलो आ। तो अब हम यहाँ पर ग्राउंड में आ चुके हैं और नित्या यहाँ पर है। नित्या खेलो। जैसे ग्राउंड में आती है एकदम गुमसुम हो जाती है, बस लोगों को खेलते हुए देखती है, खुद तो खेलती नहीं है। और वहाँ मम्मी खड़ी है। मंदिर के अंदर डांस सिखाया जाता है। और ये डांस प्रैक्टिस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बिहू आ रहा है, उसका नाम है गोरू बिहू, उसके लिए। सिखा रही है डांस। अभी सबको थकान हो रही थी तो हम आके बैठ गए हैं।
पे नीता की उम्र की और एक बच्ची आई है। थक गई है, पूरा थक गई। पूरा थक हार के आ गई है मम्मी के गोदी में। हम थोड़ा सा वॉक करके फिर जाएंगे घर। नित्या चलते, मुझे ये रियल कॉटन मिला जो कि नेचुरल है और वो उस पेड़ से आया है। वो कॉटन का पेड़ है और ज़मीन पे गिरा हुआ था तो मैंने उठा के देखा। और ये जो कॉटन है वो जो टॉयज़ में जो कॉटन डालते हैं उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर एक कॉटन है, ये और ये देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। मतलब बहुत सारे, मतलब वो थोड़े बहुत कॉटन आके ज़मीन पे गिर चुके उस पेड़ से। मम्मी और अब डांस प्रैक्टिस एंड होने वाला है। चलते चलते फ्रेंड मिल गई। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही क्यूट है। तभी पापा भी आ चुके स्कूटी लेकर। तो अभी मैं और पापा, मतलब मैं पापा को स्कूटी पे घुमा रही हूँ। मतलब पापा ने मुझको सिखाया स्कूटी चलाना, इसके बाद फिर मम्मी सीखेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।